हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑफ कास्कोड इंडिया। आज जो गाड़ी हम लोग करने वाले हैं वो है होंडा का सिविक, जो कि लास्ट जेनरेशन का है, 10 जेनरेशन बोलते हैं इसको। तो ये ओरिजिनल पेंट वाइट में है, जो कि 3 साल या 4 साल पुराना होगा। तो इस गाड़ी में कस्टमर ने 4 साल चलाने के बाद, अभी क्योंकि ये एक रेयर पीस है जो होंडा में मिलता भी नहीं है, तो कस्टमर गाड़ी को बेचना नहीं चाह रहा था, तो इसलिए उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि आप ऐसा क्या कर सकते हो, इसका पेंट चेंज कर दे या कुछ और कुछ ऑप्शन है लाइक कलर्ड पीपीएफ और रैप। तो अकॉर्डिंग टू द बजट, जो कस्टमर का बजट था, तो मैंने उसमें उनको रैपिंग के लिए सजेस्ट किया, जो कि एवरी डेनिशन का रैप होगा। और ये रैप का नाम है चमेलियन रैप, जो कि फुल गाड़ी में किया जाएगा। और होंडा सिविक में ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा मेरे हिसाब से। और उसमें थोड़ा कस्टमाइजेशन भी करना है, लाइक आपका इनका जो एलॉय, स्टॉक एलॉयज है, उनको चेंज करके हम लोग ने इसमें स्पोक एलॉयज लगाया है। ये पूरा प्रोसेस करने से पहले गाड़ी का काफ़ी सारा जगह में डेंट्स था, तो डेंटिंग करना पड़ा गाड़ी को, फिर हम लोग ने ये रैप इंस्टॉल किया। तो चलिए वीडियो को देखिए कैसे हम लोग ने ये काम को शुरू किया, और लास्ट तक वीडियो में बने रहिए क्योंकि इसमें लास्ट में हम लोग इसका कॉस्टिंग बोलने वाले हैं। रैप ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, तो अभी मैंने पूरा गाड़ी को स्क्रूटिनी किया, तो अभी एक कमी है गाड़ी में, जितना भी लोगोज़ है और क्रोम पार्ट्स है वो थोड़ा ये रैप के साथ नहीं जा रहा है। तो मैंने डिसाइड किया कि जो क्रोम पार्ट्स है, प्लस आपका साइड मिरर्स, स्पॉयलर्स, उसके बाद आपका जो साइड पैनल्स है गाड़ियों का, मतलब ये सिविक में हम लोग ने जब रैप किया था, इसका साइड पैनल्स दिखने में थोड़ा ख़राब दिख रहा है क्योंकि वाइट पोर्शंस दिख रहा था, तो उसमें भी हम लोग ने ग्लॉसी ब्लैक पेंट करने का डिसीजन लिया। तो अभी ब्लैक पेंट चल रहा है, लास्ट में देखिए गाड़ी का कैसा फिनिशिंग आता है। गाड़ी कंप्लीट हो चुका है और एंडिंग शॉट्स हम लोग लास्ट में दिखाएंगे। तो ऐसी रैप अगर आप लोग करना चाहते हैं अपना गाड़ी में, तो करीबन पकड़ लीजिए 2 से 3 दिन लगता है। और
अगर कोई स्पेशल रैप हो तो आपको पहले ऑर्डर करना पड़ेगा। और इस सिविक में इस रैप विद डेंटिंग एंड पेंटिंग सब मिला के खर्चा हुआ है विद एलॉयज एंड एवरीथिंग अराउंड 2,04,000 रुपीज़। द रैप ओनली इट कॉस्ट अराउंड 70,000। इट्स अ ओरिजिनल एवरी डेनिशन रैप। बाजार में आपको बहुत सारा रैप मिलेगा जो ओरिजिनल है कि नहीं आप उसमें ढूंढ नहीं पाएंगे। बहुत लोग बोलते हैं कि ये ओरिजिनल रैप है, इसको कर सकते हैं। 25,000 में भी रैप होता है, लेकिन वो रैप और इस रैप में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। आप ये फिनिशिंग शॉट्स देखिए, उसके बाद आप लोग डिसाइड कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग कास्ट स्क्वाड इंडिया।